हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पांडे कोचिंग सेंटर ऑफ इंग्लिश गया। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डील विद द वर्ड्स विच यू ऑफन यूज रॉन्गली। सो आई हैव मेड टू कॉलम्स, द फॉर्मर इज ऑफ डोंट्स एंड द लेटर इज ऑफ डूज। आपको क्या बोलना है, क्या करना है और आपको क्या नहीं बोलना है और क्या नहीं करना। इससे पहले कि आप मेरे वीडियो में खो जाएं, आप इसे लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच करके ऑल को क्लिक कर लें ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो तत्क्षण आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या न बोले और क्या बोले। सबसे पहले, अवॉइड यूजिंग रॉन्ग वर्ड्स। लेफ्ट कॉलम डोंट्स एंड द राइट वन ऑफ डूज। आमतौर पर आप देखते हैं कि बच्चों को, अपनी पत्नी को, प्रेमिका को फेसबुक पर लोग लाइक का एक्सप्रेशन क्यूट या वेरी क्यूट से देते हैं। याद रखें, एडजेक्टिव क्यूट या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव वेरी क्यूट का प्रयोग जनरली हम एनिमल किड्स के लिए करते हैं या शरीर के किसी अंग के लिए करते हैं। जैसे, व्हाट अ क्यूट पपी, शी हैज अ क्यूट नोज, इन दिस वे। बट फॉर ह्यूमन बीइंग्स वी डोंट यूज, वी शुड नॉट यूज क्यूट। इन अ स्टिल वी शुड यूज एडोरेबल और वेरी एडोरेबल, एंडियरिंग और वेरी एंडियरिंग। शी इज वेरी एडोरेबल, ही इज endearing, in a state of cute. Number two, we often repeat the modifier very, saying very, very handsome, very, very beautiful. Don't make such foolish repetition, students. Use only very beautiful. यदि आपका adjective more than one syllable वाला हो, अर्थात जिसके बोलने से एक से ज्यादा vowel आता हो, तो आप उसमें very के जगह पर most लगा सकते हैं। She is most beautiful, you are most handsome. लेकिन यदि एडजेक्टिव मोनोसिलेबिक हो, अर्थात जिसको बोलने से मात्र एक ही वोवेल साउंड आता हो, उसके साथ मोस्ट का प्रयोग ना करें, उसके साथ वेरी का प्रयोग करें। नंबर थ्री, नाइस। प्रायः बोल देते हैं लड़का कैसा है, नाइस बॉय। वीडियो कैसी है, नाइस वीडियो। चाय कैसी लगी, नाइस टी। लड़की कैसी लगी, नाइस गर्ल। बिल्कुल गलत है स्टूडेंट्स। जब भी आप गुड, टेस्टी, ब्यूटीफुल के सेंस में नाइस का प्रयोग करते हो तो आपका ये यूज रॉन्ग है। आप कहें अ गुड बॉय, अ गुड आइडिया, टेस्टी टी, टेस्टी डिशेस, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल थिंग्स, इन प्लेस ऑफ नाइस बॉय, नाइस आइडिया, नाइस गर्ल। नेक्स्ट नंबर, वेरी टू। बहुत सारे एडजेक्टिव्स एब्सोल्यूट होते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब जिनकी मात्रा ना घटती है ना बढ़ती है, अर्थात ऐसे एडजेक्टिव्स के पहले किसी भी तरह का मॉडिफायर यूज ना करें, ये बिल्कुल गलत इंग्लिश होगी। सो वेरी टू ना बोले, उसके जगह केवल ट्रू का प्रयोग करें। वेरी राउंड के जगह पर केवल राउंड का प्रयोग करें। मोर करेक्ट के जगह पर केवल करेक्ट का प्रयोग करें। क्वाइट वेल, आमतौर पर बोलते हैं हाउ आर यू, आई एम क्वाइट वेल। क्वाइट वेल का अर्थ हो जाता है बिल्कुल हर तरह से मैं स्वस्थ हूं, मेरी हालचाल ठीक है। ये कहना उचित नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो ही नहीं सकता। अतः आप उसके जगह पर क्वाइट वेल की जगह पर वेरी वेल का प्रयोग करें। किड, स्कूल में, आप अपने घर में बच्चों को किड कह देते हैं। किड्स सिट डाउन, किड्स कीप साइलेंट, बिल्कुल गलत। किड का मतलब बकरी का बच्चा होता है। आप अपने बच्चों को किड्स से कंपेयर ना करें, आप उन्हें चाइल्ड कहें, बहुवचन में चिल्ड्रन कहें। सो इंस्टीड ऑफ किड्स फॉर ए चाइल्ड, फॉर चिल्ड्रन यू यूज चिल्ड्रन। इंस्टीड ऑफ किड फॉर ए चाइल्ड यूज ओनली चाइल्ड। डिनर, आमतौर पर लोग रात्रि के समय लिए गए भोजन को डिनर कह देते हैं। दिस इज नॉट करेक्ट। डिनर पार्टी रात में हो सकती है,
किसी ओकेजन पर रिसेप्शन में डिनर पार्टी होती है, लेकिन आप रोज जो टाइम के अनुसार भोजन लेते हैं, रात्रि में आपका सफर होता है, डिनर दिन का मुख्य भोजन होता है, तो दिन में जो आप घर पर लेते हैं दैट इज कॉल्ड डिनर, रात्रि में जो आप घर पर लेते हैं दैट इज कॉल्ड सफर, दिन का सबसे पहला भोजन जो सुबह सुबह करते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट, घर से बाहर जो आप भोजन लेते हैं वो भी ओकेजनली ट्रेन में, स्कूल में, कॉलेजेस में, उसे हम लंच कहते हैं। तो कभी भी रात्रि के भोजन को डिनर ना कहें, हमेशा उसे सफर नाम से पुकारें और दिन के भोजन को डिनर के नाम से कहें। नेक्स्ट वन फैंटास्टिक, आमतौर पर बोल देते हैं फैंटास्टिक स्टोरी, फैंटास्टिक आइडिया, फैंटास्टिक लेडी, बिल्कुल बकवास, क्योंकि फैंटास्टिक का मतलब होता है इडियोटिक, इसका मतलब होता है फार फ्रॉम रियलिटी, इसका मतलब होता है बिल्कुल इमेजिनरी। आप फैंटास्टिक की जगह पर इंटरेस्टिंग कहें, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन इंटरेस्टिंग वीडियो, आप फैंटास्टिक की जगह पर गुड कहें, यू आर ए गुड बॉय, यू हैव ए गुड आइडिया, आप फैंटास्टिक की जगह पर अट्रैक्टिव कहें, फैंटास्टिक सीन की जगह पर एन अट्रैक्टिव सीन, एन अट्रैक्टिव लेडी। नेक्स्ट नंबर अ गॉर्जियस गर्ल, याद रखें एडजेक्टिव गॉर्जियस का प्रयोग हमेशा ड्रेस के लिए किया जाता है, आप गर्ल को ब्यूटीफुल कहें और उसके ड्रेस को गॉर्जियस कहें, सीधे कहें आप यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, योर ड्रेस इज गॉर्जियस। बहुत सारे नाउन्स हैं जिसमें आप टी वाई लगा देते हैं, वाई लगा देते हैं, एजेंट एक कॉमन नाउन है, उसका ये काम एजेंट ही कह देते हैं, डॉक्टर कॉमन नाउन है, उसके काम को उसके पैसे को आप डॉक्टर ही कर देते हैं, टीचर ही कर देते हैं, नो एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टूडेंट्स, आप एजेंट के काम को एजेंटशिप कहें, आप डॉक्टर के काम को डॉक्टरशिप कहें, आप टीचर के काम को टीचरशिप कहें। इस तरह से गलत शब्दों के प्रयोग से बचे, उनको कभी भी प्रयोग में ना लाए, उसके जगह पर सही 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 शब्दों का प्रयोग करें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और इसे शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई